हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा स्किन केयर रूटीन दिखाने जा रही हूँ जो कि आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है। इसकी मदद से आपकी त्वचा को इंटेंस मॉइस्चराइजेशन हाइड्रेशन प्रोवाइड होगा, जिसकी वजह से त्वचा काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग लगेगी। इस समय आप मेरी त्वचा देख सकते हैं जो कि आपको कैमरा पर काफ़ी ग्लोइंग लग रही होगी। वैसे मैं अपने चिक्स पर हाथ घुमा कर दिखा रही हूँ, जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि ये कोई ऑयल नहीं है जो कि ग्लो दे रहा है, ये नेचुरल है। और ऐसा इंटेंस स्किन केयर रूटीन जब आप हफ्ते में एक दिन करते हो ना, ये लंबे समय तक आपकी त्वचा को ऐसा ही रखता है। सो चलिए देखते हैं कौन से स्टेप करने से आप इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप है फेस स्क्रब। यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का रिजुवेनेटिंग फेस स्क्रब इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि है पपाया रेंज में। ये पैराबिन एंड मिनरल ऑयल फ्री है। पपाया जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, ये हमें प्रोवाइड करता है हेल्दी ग्लो और एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन सेल्स को। इतना ही नहीं, क्लेंस करता है क्लॉक पोर्स को और रेडिएंट लुक प्रोवाइड करता है, लाइटन करता है पूरे त्वचा के टेक्सचर को। इसके रेगुलर यूज से हफ्ते में मिनिमम एक बार फेस स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है मास्किंग। त्वचा के लिए मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डीपली मॉइस्चराइज करता है और त्वचा की सेल्स को भी रिजुनेट करता है। यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का लेमन ब्राइटनिंग शीट मास्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेमन एक्ने एंड पिंपल को रिमूव करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल माना जाता है और कॉम्प्लेक्शन बहुत ही फ्लॉलेस बना देता है। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इस मास्क को चेहरे पर लगा कर रखती हूँ। जेंटली इसे रिमूव करने के बाद मसाज करती हूँ इसी एसेंस से जो कि इस समय आप त्वचा पर देख सकते हैं। और इस तरह से मेरा ये जो सेकेंड स्टेप है मास्किंग का कम्प्लीट होता है। थर्ड स्टेप है टोनर। टोनर की मदद से ओपन पोर क्लोज होते हैं, स्किन का पीएच लेवल भी कंट्रोल रहता है। त्वचा को सूथ करने के लिए भी टोनर बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर मैं वायम आयुर्वेदा का प्योर लेवेंडर वाटर सूदिंग टोनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें फ्रेश लेवेंडर के गुडनेस है जो कि कश्मीर में बना हुआ है। आयुर्वेदिक स्टीम डिस्टिल लेवेंडर वाटर है ये, जो 100% प्योर एंड नेचुरल है। इसकी वजह से रिड्यूस होता है इन्फ्लामेशन एंड त्वचा काफ़ी काम फील करती है, बैलेंस एंड रिस्टोर करती है स्किन के पीएच लेवल को। और इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस इस तरह से मैं स्प्रे करती हूँ। स्प्रे करने के बाद मैं इसे थोड़ा देर ऐसे ही रहने देती हूँ जिससे ये खुद ही ड्राई हो जाता है। और उसी के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है लिप्स के लिए। मैं यहाँ पर पर्पल का चाइल्डहुड पेस्टीज लिप बाम लगा रही हूँ जो कि SPF के साथ आता है। ये है रोज़ 5 शेड। बहुत ही क्लियर सा शेड है जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत क्यूट सी पैकेजिंग में आता है। ये लिप्स को वेल मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, और ये क्रुएल्टी फ्री पैराबिन फ्री भी है। और इतना ही नहीं, इसमें कोई और हार्मफुल केमिकल बिल्कुल नहीं है। ये लिप्स को बहुत लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखते हैं। और अगर आप कोई लिक्विड लिपस्टिक लगाने वाले हैं तो उससे पहले इसे लगा लीजिए, आपके लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। अब ये वाला स्टेप ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप अपने त्वचा पर एलोवेरा जेल ज़रूर इस्तेमाल करें, जिसके बेनिफिट हमारे त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी त्वचा के लिए वायम आयुर्वेदा का 99% प्योर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें है सूदिंग एंड कामिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलोवेरा, और ये इतना प्योर है कि इसमें सिर्फ एलोवेरा जेल है। एक्ने को कंट्रोल करने के लिए या एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करने के लिए भी, या स्किन पर जो रेडनेस हो जाती है उसे काम करने के लिए, या किसी भी तरह के इरिटेशन को सूट करने के लिए एलोवेरा जेल हमेशा ही बेनिफिशियल माना जाता है। वैसे मेरे पास ये जो वायम आयुर्वेदा 99% प्योर एलोवेरा जेल है, इसे मैं अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। और उसी के बाद यहाँ पर मेरा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मेरे आँखों के नीचे की त्वचा के लिए। आँखों के नीचे के कालेपन के लिए हमेशा हमें कुछ ना कुछ लगाते रहना चाहिए, क्योंकि एवरीडे हमारे आँखों के नीचे की जो त्वचा है वो डैमेज होती है, क्योंकि हम लोग इतना मोबाइल करते हैं, टीवी देखते हैं, घर में इतनी सारी लाइट्स है, उनकी वजह से ये सारी चीज़ों का जो असर है हमारे आँखों के नीचे आता है। यहाँ पर मैं NYB की अंडर आई सीरम विथ हायलुरोनिक एसिड इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रिड्यूस करता है अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स एज वेल, और हाँ, डार्क सर्कल्स को तो रिमूव करता है, पर बहुत से लोगों को सुबह उठकर पफीनेस हो जाती है, उसे भी ये रिड्यूस करता है। और त्वचा में जो डिहाइड्रेशन आ जाता है आँखों के नीचे की त्वचा में, उसे भी ये अच्छे से हाइड्रेट कर देता है।
इसे मैं यहाँ पर रिंग फिंगर्स की मदद से आराम से आँखों के नीचे मसाज करते हुए लगा रही हूँ और स्लोली स्लोली इसका जो असर है, रिजल्ट है, वो दिख कर आता है। हाईली रिकमेंड करूँगी आपको ये प्रोडक्ट। और सबसे लास्ट में मैं गुड वाइब्स का आमंड ब्राइटनिंग फेस ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरी त्वचा बहुत ड्राई रहती है और इस तरह के फेशियल ऑयल हमेशा ही मेरी त्वचा के लिए बहुत यूजफुल साबित हुए हैं। ये पैराबिन एंड सल्फेट फ्री है, ये एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन से भरपूर है। आमंड्स जो कि स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी एनहांस करता है और फेशियल ऑयल इवन आउट करता है, त्वचा को रेडिएंट लुक देता है और जितने भी त्वचा पर डार्क स्पॉट्स है उन्हें भी रिमूव करता है। तो मैं मॉइस्चराइजर की जगह फेशियल ऑयल्स लगाना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। सो देखा आपने स्किन केयर रूटीन, जितने भी प्रोडक्ट्स आज मैंने दिखाए थे उन्हें आप खरीद सकते हैं, उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और सबसे पहले बता दूं, इस समय पर्पल ब्यूटी कार्निवल चल रहा है और इस सेल से अगर आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो आपको अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा, प्लस आपको 10% ऑफ का कूपन कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और इस कूपन कोड को लगाते हुए अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आईफोन जीतने के। उसी के साथ काफ़ी बड़े ब्रांड्स के ऊपर काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, जैसे वाओ स्किन साइंस के 399 के प्रोडक्ट्स अगर आप शॉपिंग करते हैं तो फ्लैट 40% ऑफ मिलता है। गुड वाइब्स टेक वर्क की, आल्स गुडनेस एंड वाइबे की भी प्रोडक्ट्स आप खरीदेंगे तो फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा। और हाँ, मेबिलिन जैसे प्रोडक्ट्स पर तो 40% ऑफ है अप टू। ये सेल चलेगी 22 से, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और 27 को ये ख़त्म हो जाएगी। तो मेक श्योर करें कि इस सेल के थ्रू आप अपने लिए जो भी चीज़ें चाहिए ब्यूटी की या फिर मेकअप की खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत सस्ते प्राइस में मिलने वाली है, फिर ये सेल वापस नहीं आएगी। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आप खरीद ले। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद कूपन कोड मैंने मेंशन कर दी है। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।